मम्मी मेरे पास ठल देने, ओ माय गॉड जल्दी आओ, हाय 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 हाय, ओ राजी रहो राजी रहो, सुखी रहो मातरानी, सारी सुखी आपको दो, सदा सुहागन रहे बहन, खुश रहे हमेशा, सदा सुहागन रहो, खुश रहो। हे गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज कैसे हैं आप सब, होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। मैं भद्रवा भी बोलती हूँ। अभी हमारी भद्रवा की लेडीज़ हैं मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से, सब बंजो हैप्पी कंचौत, खूब इंजॉय करा, खूब मज़े के राजे दिहाड़ी। तो गाइज जो ये कंचौत होता ना, ये एक फास्ट है, कंचौत करवा चौथ, जैसे करवा चौथ का फास्ट रखती है पूरी इंडिया की लेडीज, वैसे ही कंचौत ये फास्ट है ये रखती है भद्रवा की लेडीज। इनमें टोटली डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि जो करवा चौथ होता है वो तो आपको पता ही है, सुबह से लेके रात तक जब तक चांद नहीं निकलता है तब तक हम लोग करते हैं, लेकिन कंचौत बहुत डिफरेंट है। कंचौत में ना सुबह उठ के आपको सर्गी खानी है, ना कुछ वेट नहीं करना पड़ता है चांद का, ये बेसिकली मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा और मेरी बाजू थक गई है, मैं इस हाथ में पकड़ लेती हूँ। तो कंचौत है ना, ये क्या होता है कि ये दिन में ही ख़त्म हो जाता है, दिन में ही आपको पूजा करनी होती है और फिर उसके बाद आपकी जो फास्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है। और इसमें एक सबसे ज़्यादा मेन जो रोल है वो निभाते हैं फ्लावर्स, उन फ्लावर्स को बोलते हैं जीतोई। मुझे भी थोड़ा अजीब सा लगता है ये नाम, बट मैं आपको फ्लावर आगे जाके दिखाऊंगी, आगे मैं आपको सारा दिखाऊंगी कि कैसे पूजा होती है, क्या करते हैं, वो सारा आपको मैं दिखाऊंगी। बट अभी मैं चाह रही थी कि मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूँ ये फास्ट क्या है और क्या नहीं। फिलहाल अभी सब बैठे हुए बातें बातें कर रहे हैं और मैं बाहर आई कि मुझे ब्लॉग की जो स्टार्ट है वो कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर कब करेंगे, तो मुझे लगा मुझे थोड़ा सा स्टार्ट कर देना चाहिए और थोड़ा सा आप लोगों को बता देना चाहिए इस फास्ट के बारे में। बाकी पूरा एक्सप्लेन मैं आपको बीच बीच में करती रहूँगी और आगे करते रहेंगे, सो स्टे टिल द एंड। तो फिलहाल अंदर चलते हैं। फिलहाल गाइज अभी मैं और मम्मा जा रहे हैं दुकान, एटीएम जा रहे हैं, एटीएम सब्जी ले पैसे निकालने, और वहीं से थोड़ा पनीर पुनीर लेना था। तो मैं शूज़ पहन रही हूँ और मैंने बाल खोल लिए क्योंकि मैंने हेयर स्टाइल वही रखा था, बट मुझे जूड़ा करना था, ऐसा हो नहीं जूड़ा करना था तो वो ना ख़राब हो गया, तो फिर मैंने जूड़ा ही कर लिया, मेरे बाल ही खोल लिए। ऐजा हाँ एक ही पाव पर ऐजा, तो मैं और मज़ा आ रहा है, और मौसम तो ये देखो आज हमारी गली में कैसे चिक्कड़ है और यहाँ पे भी कितना पानी पानी हो गया। कैसा हो गया मौसम देखो कितना ठंडा ठंडा। एरोप्लेन, हेलो प्लेन, एरोप्लेन मेरे दोस्त, कैसे है तू? अपन बिटलाई मजोर सब बंजो पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी कंचौत सबको। ठंडी बहुत है आज, मैंने 10-10 तो कपड़े पहने हुए हैं। हम लोग एटीएम गए थे ले आए और हल्की हल्की बारिश हो रही है, इसलिए मैं फोन ही नहीं निकाल रही हूँ। अभी जा रही हूँ पनीर लेने के लिए। मम्मा मम्मा यहाँ से ही पूछ रहे हैं दूर से पनीर है कि नहीं, और बारिश हो रही है हल्की हल्की, फोन पे पानी गिर रहा है। इतने कीचड़ में से हम लोग आए ना, सारे शूज गंदे हो गए यार। ऐसा साला आए ऐसा ठीक है उधर पनीर अपनी एक ठप्पल ले यार। गुलाब जामुन 260 माँ मुझे पोका चाहिए। इन लोगों के चक्कर में मैं भी एकदम से रेडी हो गई हूँ, मैंने लाइनर लगाया है, लिपस्टिक लगाई है, दीदी की लगाई है, और पीछे दीदी तैयार हो गई है और भाभी भी तैयार हो गए और मैं भी थोड़ा थोड़ा सा रेडी हो चुकी हूँ। गया ना देख भाई लैड रो, ये तो देखो बारिश मतलब इतनी हो रही, क्योंकि इतना कुछ प्लान किया था ना, मतलब मैंने सोचा था कि मैं भी थोड़ा अच्छे से तैयार होंगी और फिर हम लोग रील्स वगैरह बनाएंगे और मेरी दोस्त भी आएंगे, हम डांस वगैरह करेंगे, बट इस बारिश ने ना सारा का सारा कबाड़ा कर दिया। मैं तो यही रह
गया, इसने सोचा ये मैं हूँ, मेरे चक्कर में आया भाव के पास। मिठू बस थोड़ी देर में अब पूजा वगैरह स्टार्ट करेंगे। बन रहा है पनीर, क्या मांग टिका लगाना, ठीक है। ये ग्रेवी है और ये पनीर है, बाकी हमने राजमा की दाल बनाई है। और भाभी आप बोल रहे हैं मुझे लगाओ, क्या क्या मेरा गहना, ठीक है लगा लेती हूँ। चलो यहाँ पे हो रही है पूजा दी से वीडियो चैट। हाय, हम लोग पूजा दी से बात कर रहे थे, थोड़ी सी इमोशनल हो गई, मेरी आंखें देखो कितनी लाल हो गई रो रो के। तो हम लोग बाहर आए थोड़ा कि चलो ये फोटो वोटो खींचते। ले मिट्टू आ गया, आंखें मेरी जलन कर रही है, इमोशनल हो गई क्योंकि आप लोग समझ सकते हो कि कैसा फील हो रहा है। एनीवेज तो अभी फोटो वोटो करते हैं, फिर देखते हैं कि आगे का क्या प्रोग्राम है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। लेडीज लोग आ गई हैं बाहर। हेलो हेलो, थालियाँ थ्योरियाँ तैयार हैं गड्डी का। चलो चलो जी, चलो जी। मैं फिर दो दो व्लॉग शूट करूँ, एक दीदी का भी। ये होते हैं जीतोई के फूल। एक्चुअली फूल जो होते हैं वो भी मैं आपको दिखा दूंगी, मैंने बोला हुआ भाभी को, तो वो फूल मुझे मैं आपको यहाँ पे अटैच कर दूंगी कहीं पे। बट ऐसे होते हैं और यही इनका ही मेन इम्पोर्टेंट काम होता है इस फास्ट में, जो है इनका ही मेन इम्पोर्टेंट होता है काम। और गुड़, गुड़ का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, मतलब कुछ और नहीं पर गुड़ होना चाहिए, मीठा तो होना चाहिए पर गुड़। मैं अपने बचपन से देखती आ रही हूँ, तो मैंने सबकी थालियों में गुड़ ही देखे। ऐसा नहीं कि लोग स्वीट्स भी डाल सकते हैं, बट गुड़ का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो या ये है कुछ थाली और ये फ्लावर, एक्चुअल फ्लावर मैं आपको दिखा दूंगी। तो अब ये जो फास्ट होता है वो होता है बाई के पास, बाई मतलब कि क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, कुआं, कुआं जो होता है पूजा को होती है वो होता है कुएं के पास, कुएं के पास होती है। बट हमारे यहाँ पे तो कुआं है, तो यहाँ पे हैंडपम्प है, तो हम यहाँ पे ही करेंगे। सो अभी स्टार्ट करें लेडीज लोग। चश्मे के पास होता है बट अच्छा, क्या करना है अब? ये इसमें हम डाल रहे हैं चावल, चावल लोटे में डालेंगे चावल। हाँ जी, उसके बाद फूल पकड़ेंगे हम। अरे मैं दो दो से ही कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा फेरे देने। अच्छा फेरे देने, अच्छा इसके फेरे देने होते फ्लावर को, अच्छा कैसे क्या करना है? अरे मैं बहुत कंफ्यूजन हो रही हूँ, फेरे देने हैं फ्लावर डाल डाल के सूरज भगवान की ओर। पीछे गंदा सा हैंड पंप भी आ रहा है, उसको इग्नोर कर देना। हो गई पूजा, सात फेरे देने होते बेसिकली हमने इसके आगे पीछे। प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड, यहाँ पे हो रही है सूर्यदेव की पूजा और सूर्यदेव तो दूर दूर तक कहीं नहीं है, रूठे हुए हैं। ये मम्मा यहाँ पे कर रहे हैं, जय हो सूरज भगवान। अक्कल देना आपको, मेरी पूजा करनी चाहिए। ओ सच में मेरी पूजा हो रही है, ओ माय गॉड, सारे मेरी पूजा कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं हूँ घर की देवी लक्ष्मी। और बाद में जो बचे हुए फूल होते हैं इसमें डाल देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद पानी, यार इन सभी आते ही कहता ना पूरी। हाँ यार इन सब कहता ना। अच्छा ऐसे निकालेंगे और साइड पे डालना है पानी से। अच्छा ठीक है, निकालो दोनों हाथों से ना, दोनों हाथों से, दोनों हाथों से ऐसे करके। हाँ जनरल अब थोड़ा देता था
चल भाभी दो ही आते से मम्मी मेरे पास खेल देने ओ माय गॉड जल्दी आओ हाय 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 ओ राजी रो सुखी रो मातरानी सारी सुखी आपको दो सदा सुहागन रहे बहन खुश रहे हमेशा सदा सुहागन रहो खुश रहो आशीर्वाद रहो आपको मैं अलग से बनाऊंगी ठहल यार ठहल सदा सुहागन रहे सदा सुहागन दोबारा से ठहल देना मैं तेरी भी बनाऊंगी अलग से ओ माय गॉड अच्छा हो गई सारा कुछ हो गया ठीक है अभी पानी का पेड़ वगैरह ये पार्क में डालेंगे कहीं पानी है ना वो यहाँ पे तुलसी में डाल रहे हैं तुलसी माता में डाल रहे हैं दोनों हाथ से पकड़ो ना अच्छे से तीनों सब एक साथ डाल रहे हैं जय हो तुलसी माता चौर रह गए इसमें सौ रह गए सारे तो हमारी जो मम्मी अपना दुपट्टा पहले पठा ले तो गाइज हमारी जो पूजा थी वो अच्छे से हो गई है और सबको बहुत मजा आया होप आप लोगों ने भी अपनी करवा चौथ कंचौथ को बहुत अच्छे से किया होगा तो फिलहाल अभी अंदर जाते हैं मेरे को भूख लगी है जाओ आप लोग खाना मत खाओ भूख लग रही तो ठहल होती ना तो ठहल मीन्स पैर छूना और ये तो कुछ भी नहीं क्योंकि यहाँ पे तो बहुत कम लोग हैं लेकिन गाँव में भद्रवा में फिर सारी लेडीज एक दूसरे के घर जाती है और ठहल लेती है ठहल मीन आशीर्वाद लेना क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है ना मतलब जैसे ही पूजा हो जाती है हैं खींचा मैं उधर जाती हूँ थोड़ा तो जैसे ही मतलब पूजा हो जाती है ना वैसे ही फिर आपको आशीर्वाद लेना पड़ता है चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा आपने देखा कि मैं घर में सबसे छोटी हूँ बट स्टिल सबने मेरे से आशीर्वाद लिया रुको मम्मा मैं बोरे फोटो खींचने के लिए तो सबने आशीर्वाद लिया क्योंकि यही इस फास्ट की रीत है और यहाँ पे इतने अच्छे से नहीं कर पाए बट भद्रवा में इतने अच्छे से सेलिब्रेट होना हो पूजा दी ने ब्लॉग शूट किया तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक्चुअली में कैसे होता है ये क्योंकि यहाँ पे तो क्या कुआ ही नहीं है कुछ नहीं क्योंकि सारी गाँव की लेडीज 10-20 लेडीज लोग जाती हैं एंड अच्छे से करते बट यहाँ पे हमको नहीं हो रहा था तो यहाँ ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इस फास्ट में फिलहाल मैं जाती हूँ और फोटोज वगैरह करते हैं हम लोग और इंजॉयमेंट करते हैं तो दी जा रही है अब अपने घर वापस चप्पल चुप्पल लगाएगी तो पैकने तब जानी है अपने घर को बॉय जी घर वही होता है यार जब तक है जान जस्ट हम लोगों ने अभी खाना वाना खा लिया है और मिठाई वगैरह खा ली है तो दी अब अपने घर के लिए जा रही है तो होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने भी बहुत इंजॉय किया होगा सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल और अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गाइज बी सेफ बी फ्लॉलेस एंड बी हैप्पी